जाना है, किसी परसा गंडा जाना है ना, बोले नहर पश्चिम मार के काथर मुखिया हम चाहेंगे कि शहीद आजाद पासवान जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए शिव कुमार पासवान जी जो चौसा से चल करके आए हैं हम लोग के बीच में आ पाए और अपनी इस आजादी और आजाद पासवान जी के कीर्ति और कहानी और इतिहास को और गाथा को गाने का काम करें हमारे शिव कुमार पासवान जी। आज दुख की घड़ी में कुछ कहने की बात नहीं है, परंतु एकाध शब्द जरूर कह देंगे। व्यक्ति शरीर मरता है, व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति का नाम हमेशा जिंदा रहता है। किसी भी व्यक्ति का नाम सदा जिंदा रहता है, परंतु कुछ ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं, ऐसे योद्धा आते हैं जिनका नाम हमेशा चलता रहता है। उसी योद्धाओं में यह एक योद्धा थे, लोग क्रांतिकारी कहते हैं, हम क्रांतिकारी नहीं कहेंगे, योद्धा थे। योद्धा और महापुरुषों, महान पुरुषों का नाम चलता रहता है। एक कड़ी आ गई है स्टैचू लगाने की, मलचित्र को लगाने की। मलचित्र से मिलने वाला क्या है, मलचित्र कहीं लगता है उसके कदमों पर देखकर चलने के लिए सिखाता है, न कि हम लगा दे छोड़ दे। मानो हर मानचित्र के चित्रों को देखकर ये अध्ययन करते हैं यह व्यक्ति कैसा था, क्यों लगा अध्ययन। तो उस कड़ी में नाम आएगा कि एक योद्धा का चित्र है। हम अधिक बाहर नहीं जाना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने नाम ला दिया महाभारत, भारत वेद पुराण की, सम्मुख ऋषि की। सम्मुख ऋषि भी एक योद्धा थे, आर्य पुत्रों के लिखे हुए साहित्यों के, आर्य पुत्र के समस्याओं को, आर्य राजाओं की समस्याओं को, आर्य बड़े बड़े मुनियों की समस्याओं के योद्धा थे। वो जंगल में जाकर आदिवासियों को पढ़ाने का काम करते थे, वो तपस्या करने नहीं गए थे। आर्य पुत्रों को खटका, यह तो पढ़ा देगा जंगल में रहने वालों को, और ये जाग जाएंगे तो हमारा मान सम्मान आर्य संस्कृति धाराशाही हो जाएगा। क्या आप लोग आर्य संस्कृति को धाराशाही करना चाहते हो?